वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सत श्री अकाल। और मेरे चैनल पे सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत। अभी आज मैं आपको टर्बो जेट इंपेलर बना के दिखाऊंगा, जिसे मैंने बड़े यूनिक तरीके से बनाया है। एक भाई का मुझे कमेंट आया था बहुत चिर पहले, तो आज उस भाई के कमेंट पे मैंने वीडियो बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एमरजेंसी लाइट की। भी एक कमेंट मेरे को आया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा बना के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी के पास कोई यूनिक आइडिया है तो मुझे कमेंट कर सकता है, उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। और सभी भाइयों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी मुझे ऐसे ही संयोग करते रहें और मेरे चैनल पे बने रहें। चलो शुरू करते हैं। ये मैंने एक शीट ली है जो ज़्यादा ना तो बारीक है और ना ज़्यादा मोटी है, मीडियम साइज है। और एक पीस मैंने वुड का लिया है, जो उसे मैंने पहले ही ग्राइंड कर दिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो एक दो बार मैंने वीडियो में दिखाया भी है कैसे करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे 12 वोल्ट की मोटर पे ही ग्राइंड करता हूँ। तो कई बार वीडियो में चट पेट भी लग जाती है, तो मैं सावधानी से करता हूँ। एक पीस ले लिया है, और एक हम लेंगे प्रकार जिससे हम निशानी लगाएंगे। चलो शुरू करते हैं। अब हम निशानी लगाएंगे, जिसमें मैंने ब्लेड जो है 1.5 इंची का रखा है, 1.5 इंची बाय 1.5 इंची, जिसमें हम त्रिकोणा कट देंगे। अभी निशानी लगा के जो ब्लेड मैंने इसमें 5 जो है बिग ब्लेड दिए हैं, और 5 ही मैंने छोटे ब्लेड की निशानी लगाई है। चलो निशानी लगा के, और जो सर्कल है उसे मैंने 3.25 इंची का किया है। चलो निशानी लगा के कट करेंगे। इसमें छोटे ब्लेड का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उससे जो हवा की डायरेक्शन है और जो हवा की स्पीड है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। एक पीस जो लकड़ का हमने पहले लिया था उसे हम बीच में फिक्स कर देंगे, और उसके बाद इसमें हम होल मारेंगे। मैंने सभी चीज़ कट कर ली है। अभी मैं आपको गर्म करके हम इसे बेंड देंगे, बेंड जो हमने ऊपर त्रिकोणा पार्ट रखा है उतनी पार्ट में ही देंगे, क्योंकि उससे जो हवा ये नीचे को पुश करेगा और दूसरे जो ब्लेड हैं वो उसे बाहर की ओर पुश करेंगे। अभी मैं आपको इसे फिक्स करके दिखा रहा हूँ कैसे। इसमें मैंने एक ब्लेड बड़ा लगाया है और दूसरा ब्लेड जो है छोटा हमने जो कट किया था बीच में दिया है। इसका प्रोसेस बहुत आसान है, आप देखकर घर में ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये रियल जो है टर्बो जेट इंपेलर, जिसमें जो टर्बो जेट होते हैं उनमें यही प्रोपेलर काम मेन काम करता है। जो पीछे को जो पार्ट लगे होते हैं इसकी हवा ही उनको टर्न करती है। थोड़ा सा क्लैरिटी का इशू है, क्योंकि भाई मैं बहुत गरीब सा इंसान हूँ, मेरे पास जो फ़ोन है वो ओल्ड मॉडल है जिसे बोलते हैं हम, बहुत पुराना। तो जैसी भी वीडियो उससे बनती है मैं वैसी ही डाल देता हूँ।
आप सभी की मेहरबानी से मैं एक नया फ़ोन लेना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं, अच्छा हो सकता है GoPro ले लूँ, लेकिन वो सभी जो उम्मीदें हैं आप पे ही लगी हैं। प्रोपेलर मैंने बना दिया, अब हम इसे टेस्ट करेंगे। होता है उनमें यही प्रोपेलर लगे होते हैं, क्योंकि इनकी जो समर्थता होती है बहुत ज़बरदस्त होती है और ताकत भी बहुत ज़बरदस्त होती है। थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा और उस चीज़ से आपको पता चल जाएगा भी इसकी पावर कितनी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे टेस्ट करके, क्योंकि ज़बरदस्त चीज़ है तो इसका काम भी ज़बरदस्ती होगा। ये देखिए, इसकी साइड के हवा बहुत ज़बरदस्त है, आगे से तो होगी होगी क्योंकि आगे से खींच कर मगर फेंकेगा हवा, क्योंकि इसने तार भी मेरी मेल्ट कर दी। अब इसे ताकतवर तार में लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरी तार मेल्ट हो गई है, लेकिन आपको मैंने दिखा दिया अब ये गैजेट कैसा है और कितनी पावर है इसकी। इसके में जो मोटर है बहुत अपडेट की हुई है, इस कारण से मेरी उसने तार मेल्ट कर दी। और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें वीडियो को, और एक लाइक ज़रूर दें भाई, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ को बनाने के लिए। थैंक यू।